नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो दोस्तों, फाइनली हमें आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में जाने वाली चार टीमें मिल चुकी हैं, जिसमें से दोस्तों तीन टीमें पहले ही मिल चुकी थी, जो कि शामिल हैं दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वहीं पर दोस्तों चौथी टीम जिसने ऑफिशियली क्वालिफाई कर लिया है वो है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और उसके अलावा दोस्तों मुंबई इंडियंस के पास भी मौका था, कल अगर वो अपना मुकाबला 171 रन से जीत जाते तो फिर वो भी प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना सकते थे, पर मुंबई इंडियंस की टीम ऐसा नहीं कर पाई और वो प्लेऑफ्स की दौड़ से अब ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 का प्लेऑफ्स का कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूं कि कौन सी टीम किससे मुकाबला कब खेलेगी और दोस्तों ये मुकाबले कौन से वेन्यू पे खेले जाएंगे, इन मुकाबलों की क्या टाइमिंग होगी, सभी डिटेल्स आपको प्लेऑफ्स के बारे में इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफायर वन के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा 10 अक्टूबर को दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच इंडिया टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से दुबई के मैदान में। दोस्तों अगर क्वालिफायर वन के मुकाबले की बात बताएं तो यहाँ पे जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, वहीं पर दोस्तों जो टीम ये मुकाबला हारेगी उसको एक और मौका मिलेगा फाइनल में जगह बनाने के लिए और हारने वाली टीम क्वालिफायर टू का मुकाबला खेलेगी। इसके बाद दोस्तों 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बीच में शारजा के मैदान में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। अब दोस्तों अगर एलिमिनेटर मुकाबले की बात की जाए तो जो टीम ये मुकाबला हारेगी वो आईपीएल 2021 से सीधा बाहर हो जाएगी और जो टीम ये मुकाबला जीतेगी वो क्वालिफायर टू में प्रवेश कर जाएगी और क्वालिफायर टू में उस टीम का मुकाबला उस टीम से होगा जो टीम क्वालिफायर वन में मुकाबला हार जाएगी। इसके बाद दोस्तों क्वालिफायर टू का मुकाबला आपको 13 अक्टूबर को शारजा के मैदान में ही देखने को मिलेगा इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से और जो टीम ये क्वालिफायर टू का मुकाबला जीतेगी वो सीधा फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। वहीं पर दोस्तों फाइनल मुकाबला आपको 15 अक्टूबर को दुबई के मैदान में देखने को मिलने वाला है इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7:30 बजे से। तो इस तरीके से आपको आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स में क्वालिफायर वन मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाता हुआ नजर आएगा, वहीं पर 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 13 अक्टूबर को दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा, वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाएगा। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप आईपीएल 2021 के प्लेऑफ्स के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि कौन सी वो दो टीमें होंगी जो कि आईपीएल 2021 के फाइनल में जगह बनाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आईपीएल 2021 के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये पहला ऐसा मौका है जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 2016 के बाद प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाई है, क्योंकि 2016 से लेकर 2020 तक हर बार ऐसा हुआ था कि सनराइजर्स हैदराबाद ने प्लेऑफ्स में जगह बनाई थी, पर इस बार दोस्तों उनके लिए जो सीजन रहा है वो काफी ज्यादा खराब रहा है। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात कर लें तो ऐसा पहली बार हुआ है 2013 के बाद जब मुंबई इंडियंस की टीम ऑड ईयर में प्लेऑफ्स में जगह नहीं बना पाई या फिर आईपीएल 2021 का खिताब नहीं जीत पाई, क्योंकि अगर आप देखो तो 2013 में उन्होंने खिताब जीता, 2015 में भी खिताब जीता, 2017 में भी उन्होंने आईपीएल ट्रॉफी जीती, 2019 में भी जीती, पर 2021 में ये क्रम टूट गया और वो इस बार प्लेऑफ्स में भी जगह नहीं बना पाए। तो दोस्तों इन दो टीमों के लिए थोड़ा सा जो इस बार का आईपीएल था वो हार्ड ब्रेकिंग रहा। वहीं दोस्तों अगर हम लोग पॉइंट टेबल की बात कर लें जो कि आपको लीग फेज के बाद नजर आ रही है, तो पहले नंबर पर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम जिसके पास 20 पॉइंट्स हैं, दूसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जिसके पास 18 पॉइंट्स हैं, तीसरे नंबर पर है आरसीबी की टीम जिसके पास भी 18 पॉइंट्स हैं लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो सीएसके से थोड़ा सा खराब है। वहीं पर दोस्तों चौथे नंबर पर है केकेआर की टीम जिसके पास 14 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स टेबल पर पांचवे नंबर पर है मुंबई इंडियंस की टीम, उनके पास भी 14 पॉइंट्स हैं लेकिन इनका नेट रन रेट केकेआर से खराब है। वहीं पर दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 टीम है पंजाब किंग्स की टीम, इनके पास दोस्तों 12 पॉइंट्स हैं। वहीं पर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 7 टीम है राजस्थान रॉयल्स की टीम, इनके पास दोस्तों 10 पॉइंट्स हैं। वहीं पर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 8 टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जिसके पास 6 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों ये रहा पॉइंट टेबल आईपीएल 2021 का लीग फेज खत्म होने के बाद। तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम आईपीएल 2021 का खिताब जीतने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर आईपीएल और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। वहीं पर दोस्तों क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज़ से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।